नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, खबर अगर आपने नहीं सुनी है तो कैबिनेट ने बहुत बड़ा झटका दिया है पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को। और दोस्तों, कईयों के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वोडाफोन आइडिया का शायद अंत हो सकता है दोस्तों। और ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाया दोस्तों कि क्यों इतने समय से जो तेजी थी पूरे टेलीकॉम सेक्टर में वाले, वह भारतीय एयरटेल में हो या वोडाफोन आइडिया में हो, क्यों उस रैली का अब अंत हो जाएगा और आने वाले समय में आपको बहुत भयंकर एक गिरावट दिखाई दे सकती है। दोस्तों, भले ही आज ये शेयर गिरावट के बाद थोड़ा सा सर्ज होता दिखाई दे सकता है दोस्तों, ठीक है, इसके क्या लंबे तौर पे मायने हो सकते हैं और क्यों ये इसका सीधा फायदा होगा दोस्तों रिलायंस की जियो को, सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को दोस्तों अभी से लाइक कर दें ताकि औरों को भी रेकमेंड हो। अब चल दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए, लगभग 3:20 हुआ दोस्तों और शेयर लगभग 2.5% की गिरावट में। और दोस्तों एक चीज दिखाऊं मैं आपको, पिछले 5 दिन की आप बात करें, वोडाफोन आइडिया 30% रिटर्न दे चुका है दोस्तों। 30% का रिटर्न एक ऐसी कंपनी दी है पिछले 5 दिनों में दोस्तों, जिसके पास 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का केवल कर्ज है दोस्तों, ठीक है। और जो ये हुआ दोस्तों, इसे जुआ कहा जाता है। जो वोडाफोन आइडिया के शेयर में जो लोग भी अब प्रोफेशनल ट्रेड कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसे जुआ कहा जाता है दोस्तों। लिटरली में स्टॉक मार्केट में इस तरह से काम नहीं होता दोस्तों, ठीक है। हाँ, लेकिन देखिए, जुआ में जीता भी आदमी, ठीक, और कई लोग जीते भी होंगे दोस्तों। 30% 5 दिन में कौन ला के देगा आपको, ठीक है। और एक महीने की बात करें तो 18% का रिटर्न दोस्तों, अच्छी अच्छी कंपनियां ना दे। और लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसके पास 1,00,000 करोड़ का दोस्तों कर्ज है, उसने ये दिया है, ठीक है। लेकिन अब उस जो तेजी आई थी दोस्तों, अभी उसका अंत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज कैबिनेट ने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका दिया है दोस्तों। क्या दिया है आप देखिए, इंडिया फेडरल कैबिनेट डिड नॉट टेक अ प्रपोजल्स ऑन वेंसडे फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिलीफ टू कंट्रीज कैश स्ट्रैप्ड टेलीकॉम सेक्टर, अ गवर्नमेंट सोर्स सेड। नाउ द कंपनी वॉज द कैबिनेट वॉज वाइडली एक्सपेक्टेड टू टेक अ एक्शन ऑन अ सो कॉल्ड रिलीफ पैकेज फॉर द टेलीकॉम इंडस्ट्री विच वुड हैव हेल्प ऑल वायरलेस कैरियर्स बट स्पेशली द एम्बैटल्ड वोडाफोन आइडिया, ठीक है दोस्तों। कई लोग यही मानना थे, जो पिछले कई समय से आप तेजी देख रहे हैं ना, ये सब इसलिए थी कि कईयों का मानना था कि कैबिनेट जो है दोस्तों एक रिलीफ पैकेज जारी करेगी वोडा पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए। और दोस्तों, ये रिलीफ पैकेज एक्चुअली जारी करेगी वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि देखिए भारतीय एयरटेल ने पहले ही सारी प्लानिंग कर रखी दोस्तों। और वो बस बोलते ना, तो बहती गंगा में हाथ धोना चाह रही थी कि अगर अगर कोई रिलीफ आता है तो उन्हें भी रिलीफ मिले, ताकि उनके पास जो इतना डेट है वो थोड़ा कम हो सके दोस्तों, और उसका फायदा वो अपने जो नेटवर्क है उसको बढ़ाने में कर सके। नाउ द कैबिनेट, अब आगे है, द सोर्स डिड नॉट स्पेसिफाई व्हाई द प्रपोजल वाज नॉट डिस्कस्ड। द सोर्स तो स्पेसिफाई नहीं किया गया है। नाउ शेयर्स इन वोडाफोन आइडिया वर डाउन 1.5% व्हाइल भारतीय एयरटेल फेल 0.2%, ठीक है दोस्तों। ये तो ठीक है दोस्तों, ये कोई न्यूज नहीं है। इंडियाज टेलीकॉम सेक्टर वॉज अपेंडेड बाय टाइकून बिलियनियर मुकेश अंबानी कंट्रोल रिलायंस जियो इनफॉर्म व्हेन इट एंटर द मार्केट इन लेट 2016 विद फ्री वॉइस एंड कट प्राइस डेटा प्लान। दोस्तों आप, मैं कहता हूं ना कि जो बिजनेस होता है ना दोस्तों, बिजनेस उसके लिए आप हजारों नाटक कर सकते हैं कि भाई बिजनेस ये खराब कर देता है, वो घूसखोरी बढ़ा देता है, वो गरीबों का हक छीन लेता है। बट दोस्तों देखिए, जो रिलायंस जियो ने किया है ना दोस्तों, वो कुछ बोलते हैं ना कि भाई ये एक मंदिर बना, एक मंदिर नहीं कहना चाहिए, हॉस्पिटल बना दिए या किसी का दान पुण्य कर दिया, वो तो दोस्तों क्षणिक होता है। बट जो रिलायंस जियो ने किया ना दोस्तों, उसने एक पूरी क्रांति ले आई है दोस्तों पूरे इंडिया में, डिजिटल क्रांति। एक लौते इंसान है जिसका नाम है मुकेश अंबानी, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोच रहे हैं कि आपको 1 GB का, अगर आपको जहां आज 11 रुपए 10 रुपए देना पड़ रहा है, एक समय में 101 रुपए 75 रुपए था दोस्तों। इस चीज को आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए कि इसमें लिखा है दैट वोडाफोन आइडिया हैज पेड द गवर्नमेंट 78.54 बिलियन इंडियन रुपीज, यानी $1 बिलियन इन टेलीकॉम ड्यूज रेगुलेटरी फाइलिंग स्लो बट स्टिल ओस रफली 500 बिलियन। दोस्तों 74.54 बिलियन रुपीज पे किए हैं, यानी 1 बिलियन, और $500 बिलियन बचे हैं दोस्तों अभी भी, ठीक है। और आगे है,
भारतीय टेल हैज सेड इट पेड ड्यूज एस्टिमेटेड 180 बिलियन रुपीस बट गवर्नमेंट फिगर शो इट ओवर फर्दर 259.76 बिलियन। ये दोस्तों ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि एयरटेल कहता है कि हमने 180 बिलियन पे कर दिए हैं लेकिन गवर्नमेंट कह रही है 2.76 बिलियन अभी भी बाकी है। ठीक है, वोडाफोन विच हैज अ नेट डेट ऑफ रुपीज 1.91 ट्रिलियन रुपीज हैज प्रीवियसली रेज्ड सीरियस कंसर्न्स अबाउट इट्स एबिलिटी टू स्टे अफ्लोट विदाउट गवर्नमेंट हेल्प। ये तो हम सबको पता है दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया बहुत समय से फंड रेजिंग की बात कर रहा था लेकिन क्या हुआ, कहीं से फंड रेजिंग नहीं आई दोस्तों। और कई लोग तो ये तक कह रहे थे कि भैया हम बात आप सुन रहे होंगे कि कई जगह से न्यूज आ रही थी कि वोडाफोन आइडिया ने किसी एक फॉरेन फंडर है उन्होंने फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है और कई समय तक दोस्तों ये बातें चल रही थी और वोडाफोन आइडिया का शेयर कभी ऊपर कभी नीचे चल रहा था बट ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं थी दोस्तों। ठीक है, तो मैं यही कहता हूं दोस्तों ये जो कंपनीज होती है दोस्तों ये जो है कंपनीज ये मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो क्यों करते हो। देखिए 8 रुपए का शेयर ये भी है और 11 रुपए का शेयर यस बैंक है लेकिन दोनों में अंतर दोस्तों बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, यस बैंक क्यों नहीं भाग रहा है, क्योंकि वो लोग उसकी वैल्यू अनलॉकिंग की इंतजार कर रहे हैं दोस्तों कि कोई कुछ अच्छा न्यूज आए। और ये क्यों इतना ज्यादा ऊपर नीचे बढ़ता रहता है दोस्तों, क्योंकि ये केवल न्यूज में भागता है, ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है। क्यों, अब आप देखिए ये NSE की वेबसाइट है दोस्तों और आज 3 बजे तक का डेटा देखिए 120 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर दोस्तों ट्रेड हुए हैं आज, कैन यू बिलीव इट। हाँ, उनमें से 29 करोड़ की डिलीवरी अभी भी उठाई गई है, 24% डिलीवरी उठा ली गई है दोस्तों। ठीक है, क्यों, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, भले ही अभी शायद ये ठीक हो जाए, कल शायद कैबिनेट की अप्रूवल आ जाए तो फिर ये 10-5% और भाग जाए, बट एज ए इन्वेस्टमेंट क्या रह जाएगा दोस्तों शेयर में इन्वेस्ट करने का फायदा, जो इतने पैसे लटकते रहेंगे। आप देखिए ये देखिए आप लास्ट ट्रेडिंग यानी कल 7 तारीख को आप देखिए कि लगभग ये इसके ट्रेडिंग थे दोस्तों 25 करोड़ 96 करोड़ 106 करोड़ और आज 120 करोड़, वॉल्यूम और बढ़ते हुए दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूं कि भाई रीजन कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी आए, एक बार फिर रिफ्रेश करूं, अभी भी 4 में बचे हैं शेयर, अभी भी 8 रुपए का अपना लेवल बचा के रखा है। कई लोग दोस्तों अभी भी ये राय देंगे कि भाई 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो, इतने रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो, उस क्यों लगाएं भाई, हम ऐसे शेयर में कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें जो इतने डेट रिटर्न हो, जो गवर्नमेंट की रहमो करम में चल रही हो दोस्तों। और दोस्तों गवर्नमेंट रिलीफ कितना देगी आप मुझे बताइए, डे टू डे ऑपरेशन ही तो बढ़ पाए, डे टू डे ऑपरेशन खर्चे तो बढ़ेंगे, फिर भी इसमें 1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, डेट है, सॉरी इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, 1,00,000 करोड़ का डेट है। इसीलिए दोस्तों अपने आप से आपको पूछना चाहिए कि क्या हमें ऐसी कंपनी में करना है, जबकि मजार में ऐसी ऐसी कंपनी जरूर रखी हुई है जो मतलब जो अपने वैल्यूएशन से बहुत फंडामेंटल से बहुत नीचे आ गई है दोस्तों, उनकी जो ओरिजिनल जो उनकी प्राइसिंग होनी चाहिए उससे कहीं नीचे वो आ गई है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे शेयर से दूर रहें दोस्तों, खास करके न्यूज ड्रिवन शेयर से। अगर किसी में शेयर में इन्वेस्ट करना है दोस्तों, भारतीय एयरटेल इज अ गुड ऑप्शन अगर आपको टेलीकॉम में करना है दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये मेरी पर्सनल राय है। ठीक है, बट ये शेयर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं दोस्तों, न्यूज कैसे भी आए मैं इससे दूर ही रहूंगा। मार्केट में बहुत सारे शेयर है दोस्तों जो अपने फंडामेंटल से नीचे हैं, जहां मैं पैसे डाल करके इत्मीनान से बैठ सकता हूं। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो मेरा वोडाफोन आइडिया को लेकर के था, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।